बहुत सिंगर्स के लिए जो ऑलरेडी हैं और जो उभरते सिंगर्स हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है, आपके लिए इंस्पिरेशन कौन थे? सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो किशोर दा थे। मैं बचपन में उनके गाने गाता था, मैं उनके गाने सुनता था और कहता था कि यार एक इंसान, एक शख्स जो है हर मूड के गाने कैसे गा सकता है, बिल्कुल उसको बेहतरीन तरीके से निभाते हैं वो बिल्कुल। और उनका एक गाना था ज्योति और मैं जो है ना, हम बचपन में मिले थे, माय वाइफ एंड आई, वी बोथ वर इन सिक्स्थ स्टैंडर्ड। तो उन दिनों मेरे को ये गाना बहुत पसंद था, तो मैं ये गाना उनके लिए अक्सर गाता था। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। क्या बात है, वाह वाह। हर खुशी से, हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। Come on guys। हर खुशी से, हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से, परे चला जाए, मेरी तरह चल जाएगा, यहाँ नहीं आया। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। हर खुशी से, हर गम से फ्रेंडशिप डे, स्पेसशिप डे, शोभा डे, रोज डे, रोज रोज कोई ना कोई नया डे। तो आज हमने डिसाइड किया है कि विशाल के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूट देना चाहते हैं हम मनाएंगे बैड जोक डे। इसी बात पे वेलकम बैक टू इंडियन आइडल जूनियर। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, पाई बाय फोर क्वार्टर एम्पलीट्यूड फेज मॉड्यूलेशन क्या है? तो स्टूडेंट ने जवाब दिया, जिम्बक अलग तड़क हिक तकड़िक तुबुक तुबुक धम्बा। तो टीचर ने कहा, क्या कहा तुमने, कुछ समझ में नहीं आया? तो स्टूडेंट ने कहा, सेम बेब्स, समझ में नहीं आया। वाह, क्या बात है। नहीं नहीं, यू नो द थिंग इज, द रीजन हम बेल नहीं बजा रहे हैं इसमें, क्योंकि ये जोक था ही नहीं, ये हुसैन के स्कूल की स्टोरी थी। ओह, स्टैंडिंग ओवेशन हुसु। क्या तुम्हारे साथ भी यही हुआ? बैठ जाओ। अरे लेकिन क्या हुआ अगर स्टूडेंट टीचर को नहीं समझ पाया? हम भी तो ये कभी नहीं समझ पाए कि हमारे जो वैष्णव भैया हैं वो इतना ढिंचा कैसे गाते हैं। वैष्णव भैया आइए प्लीज। किस तरह किस खड़ी आगे बढ़ गए हमसे राह में, पर तुम तो अभी थे यही। कुछ भी ना सुना कब का दागिला, कैसे कह दिया we
चली अलविदा। Vaishnav, Adipoli, Kalaki, fantastic. We both are Mallus actually from the same state in Kerala, Thrissur. So I thought I'll tell him that. It means fantastic, mind-blowing basically. It was really, really very good. बहुत मुश्किल गाना है actually. और आपने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया खूबी से गाया पूरा. Towards the end थोड़ा सा मुश्किल हुआ मुझे लगा क्योंकि वो बहुत ऊंचा है. हाँ it is very high. It is actually out of scale. तो you can easily avoid that. Don't worry about it. All right? ये जो वर्ड मैंने अभी केके से सीखा है ना अड़ीपोड़ी, अब आप मैं एज फार एज आई एम कंसर्न आपको ये ही बुलाऊंगा, ये आपका नाम है, यू आर अड़ीपोड़ी ब्रदर, टू गुड। बहुत सारे करियर रॉक सिंगर्स हैं, मैं एक रॉक सिंगर हूँ, देयर इज नो वे आई कैन सिंग दिस बॉस। केके एक दूसरा लेवल है और आप एक दूसरे लेवल हो, इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। परफेक्शन के साथ फीलिंग लाना गाने में वो ज़्यादा ज़रूरी है जो आप हर परफॉर्मेंस में लाते हो। थैंक यू मैम। ईच एंड एवरी सिंगल वन विदाउट फेल, एंड इसलिए हम हर परफॉर्मेंस में खड़े हो जाते हैं, आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है क्योंकि आप इतने अच्छे सिंगर हो। मेरे लिए आपकी जो एक्सप्रेशन है ना, आप जितना भी ऊँचा जाते हो उसके बाद वापस जब आप नीचे गए उसमें भी इतनी फीलिंग और उतनी भावना है, दैट इज फैंटास्टिक। आपका रेंज इतना कमाल का है, फैंटास्टिक कंट्रोल, फिनोमिनल, फिनोमिनल, रियली अमेजिंग। थैंक यू जजेस, स्कोर सर दे दीजिए फॉर वैष्णव। थैंक यू सो मच वैष्णव, एक बार वंस अगेन एवरीबॉडी जोरदार तालियां फॉर वैष्णव। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।